This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। विवादित ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले से उनकी गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम दिल्ली समेत 5 शहरों के 15 ठिकानों पर छापेमारी करी है। दिल्ली, झारखंड, हरियाणा में रेड हो रही है और ईडी 1392 करोड़ के बैंक घोटाले में छापेमारी करी है। नेट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी ने तीनों डॉक्टरों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। जम्मू कश्मीर में आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 जगहों से घुसपैठ की फिराक में थे। आईएसआई के इशारों पर पीओके में 3 लॉन्चिंग पैड खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईडी ब्लास्ट हो गया है और इस धमाके में 2 कांस्टेबल शहीद हो गए हैं, जबकि 4 के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के डोडा के कस्तीगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी हो गए हैं। नेट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी। पेपर लीक को लेकर अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई है। लास वेगास में अपने पहले कार्यक्रम के बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। कर्नाटक में लगातार बारिश के बाद अकोला तालुका के शिरूर के पास NH-66 पर बड़ा भूस्खलन हुआ है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की नई नई थ्योरी सामने आ रही है। हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की बात कही गई थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला है। भूपेंद्र चौधरी ने पिछले 2 दिनों में दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात में फीडबैक रिपोर्ट दी है और इसे विस्तृत चर्चा भी की है। महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना पर उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने शिंदे सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब से महायुति गठबंधन को 17 सीटें मिली हैं, उसी दिन से वो बेचैन हैं। मुंबई में आज सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिन बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में IMD ने अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले पर अब शरद पवार ने तंज कसा है। महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं के लिए शिंदे सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की है। सरकार ने लाडली बहन योजना की तर्ज पर ही इसे शुरू किया है। जानिए इसका लाभ किसे मिलेगा। घाटकोपर होर्डिंग हादसे के मुख्य आरोपी भावेश भिंडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है। वही भावेश भिंडे ने FIR भी रद्द करने की मांग की है। गौतम गंभीर के कार्यकाल में टीम इंडिया के अंदर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गंभीर सालों से बाहर चल रहे स्टार गेंद पास को टीम के सेटअप में शामिल कर सकते हैं। राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में टीम इंडिया के बॉलिंग कोच रहने वाले पारस महमरे ने बताया कि कैसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने भरोसा खोया और टीम से बाहर हो गए। प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कल्कि 2898 AD अब भी सिनेमाघरों में टिकी हुई है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अब 600 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस कुछ कदम दूर है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।